नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे महीने की शुरुआत में जबकि सारे के सारे ग्रह अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, ये परिवर्तन का महीना है, सितंबर का महीना। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ग्रहों के, आकाशीय स्थितियों के इस महीने में होने वाले हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनका आने वाले लंबे समय तक आप पे प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से आप तो ये हमेशा सुनते रहते होंगे कि ये फला ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है, इस राशि में जाने वाला है, लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, जो जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदलते हैं, जैसे कि बुध है, शुक्र है या सूर्य है, मंगल भी है, तो इनके राशि परिवर्तन के प्रभाव परिलक्षित तो होते हैं लेकिन दूरगामी नहीं होते नॉर्मली। लेकिन कुछ ग्रहों के परिवर्तन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके दूरगामी परिवर्तन होते हैं और जीवन की धारा को ही बदलने की क्षमता रखते हैं। उसी तरह के परिवर्तनों वाला ये महीना है दोस्तों, सितंबर का महीना, जिसमें गुरु वक्री से मार्गी हो रहे हैं धनु राशि में 13 तारीख को, शनि मार्गी से वक्री होंगे 29 तारीख को, शनि भी वक्री से मार्गी होंगे 29 तारीख को। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है राहु और केतु का परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं और ये सूर्य और चंद्रमा का जो पाथ है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण पाथ है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा का जो पाथ है उसका कटान बिंदु एक राहु है और एक केतु है। तो ये जो राहु और केतु अपनी राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, और 18 महीने में इनका परिवर्तन होता है, तो 23 सितंबर को 10:47 के आसपास ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और अभी तक ये मिथुन राशि में राहु थे और धनु राशि में केतु थे, अब वहाँ से निकल के वृषभ राशि में, चूंकि ये उल्टा चलते हैं राहु और केतु, तो मिथुन से वृषभ में आ जाएंगे राहु और धनु से वृश्चिक में आ जाएंगे केतु। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है खगोलीय रूप से, ग्रहों के रूप से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से। और निश्चित रूप से राहु और केतु ही दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसके पीछे राहु और केतु निश्चित रूप से होते हैं। अचानक घटनाओं को ये जन्म देते हैं, अचानक होने वाली जितनी घटनाएं हैं उनका ये उनके सूत्रधार हैं राहु और केतु, जिसमें से राहु जो है वो वायु तत्व प्रधान है जबकि केतु जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो ये जो हम राशिफल की बात अभी आपकी करेंगे, सारी 12 राशियों पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इसकी बात करेंगे, इसमें ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि राहु जो है वो माया के कारक हैं, राहु जो है वो वायु तत्व वाले हैं, राहु जो है वो चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ पाती जब राहु साथ में होते हैं। बात करें दोस्तों तो केतु जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है, साथ ही केतु का प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जहाँ केतु बैठते हैं उस जगह से व्यक्ति को अलग कर देते हैं, इस तरह का विच्छेदात्मक प्रभाव केतु का होता है। और साथ ही जो केतु हैं वो, जैसा मैंने बताया, अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं, मंगल की तरह इनका प्रभाव होता है, उग्र स्वभाव है इनका और बहुत ही बलशाली है केतु, क्योंकि केतु के पास, जैसे हमने अपने दूसरे वीडियोस में बताया है, कि दिमाग नहीं है और वो शरीर से ही, शारीरिक बल से व्यक्ति का भला या बुरा कर देते हैं बिना उसके बारे में आगा पीछा सोचे। तो केतु बहुत ही विशिष्ट ग्रह है और ये जो दोनों ग्रह हैं दोस्तों, राहु और केतु, जब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 तारीख को, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और यदि आपकी महादशा अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रहों की चल रही है, शुभ ग्रहों की चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके महादशा या अंतरदशा
खराब है अशुभ ग्रहों की है या विशेष रूप से राहु केतु शनि इन ग्रहों की है, तो दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। या मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु या केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं उसी की ही दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो जरूर आप हमारा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें, और क्योंकि इसमें आपकी सभी राशियों सारी 12 राशियों के बारे में हम फल कथन करेंगे। और राशियों से हमारा तात्पर्य है कि जो आपकी चंद्र राशि है यानी कि चंद्र लग्न है उसके आधार पर हम फल करेंगे। तो दोस्तों आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। राहु और केतु के परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि पे क्या जाएगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि के दूसरे भाव में राहु आ रहे हैं दोस्तों, अभी तक ये तीसरे भाव में थे, इसलिए मेष राशि वाले तमाम ऑड्स के बावजूद भी उनके लिए परिस्थितियां कुछ मैनेजेबल सी बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों अब जबकि ये सेकेंड हाउस में आपके राहु आ जाएंगे और एट्थ हाउस में केतु आ जाएंगे, तो धन के मामले में आपको जरूर कुछ फायदा दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामले में कुछ डिसबैलेंस भी पैदा कर सकते हैं जिससे आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो। साथ ही परिवार के मामले में कुछ अड़चने या विच्छेदात्मक प्रभाव दे सकते हैं, परिवार में झगड़ा वगैरह करा सकते हैं, तो इसके लिए आप सावधान रहें, खास करके वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। केतु की जहाँ तक बात है, अष्टम भाव में जब केतु आते हैं तो शारीरिक रूप से परेशानियों को जन्म देते हैं, विशेषकर पेट की समस्या, पाइल्स वगैरह की समस्या या हर्निया की प्रॉब्लम, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि खासकर पेट या पेट के निचले हिस्से से संबंधित जगहों से होती हैं, वहाँ पर आपको ये जरूर अगले 1.5 वर्ष में कुछ समस्या दे सकता है, और जिससे आपको फिजिकली आपको चैलेंज महसूस हो, शारीरिक रूप से आप चैलेंज महसूस करेंगे, फिटनेस की कमी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों कर्म क्षेत्र में उदासीनता पैदा कर सकते हैं केतु वहाँ पर बैठ के, और निरर्थक यात्राएं वगैरह भी करा सकते हैं। तो राहु और केतु का ये जो प्रभाव मेष राशि के लिए है, इसलिए ये अगर एक तरह से देखा जाए तो कुछ कष्ट ज़्यादा इसमें है क्योंकि शारीरिक कष्ट इन्वॉल्व है, तो आपको सलाह कि आप राहु और केतु की शांति मंत्रों का जप करें। इसके बाद दोस्तों अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जन्म की राशि में राहु आ रहे हैं, और जब भी राशि के साथ राहु आते हैं तो स्वभाव में उग्रता पैदा करते हैं, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं व्यक्ति को, चिड़चिड़ाहट अचानक होती है और मानसिक शारीरिक समस्याओं से व्यक्ति परेशान रहता है, कार्यों में भी उदासीनता का अनुभव होता है। अगर डिप्रेशन वगैरह की समस्या है तो वो उसके लिए सचेत रहें और राहु की शांति ऐसे में आप जरूर करें। पेट से संबंधित समस्याएं भी ये देता है, कार्य में उदासीनता देता है, और साथ ही समन्वय में कोऑर्डिनेशन की कमी भी महसूस होती है। हालांकि गुरु की जो स्थिति है 9 नंबर में, और जब वो 10 नंबर में चले जाएंगे मकर राशि में, वहाँ से यानी कि नवंबर के मध्य से फिर आपका समय काफ़ी सुधार पर आ जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि आ जाएगी, लेकिन तब तक निश्चित रूप से आप सावधानी रखें। चोट चपेट भी राहु के लग्न में आने से, चंद्र राशि में आने से चोट वगैरह भी लगती है, पेट की समस्या होती है। केतु आपके सप्तम भाव में दोस्तों आ रहे हैं, तो सप्तम भाव में ये उदर पीड़ा देते हैं, स्वास्थ्य में बाधा देते हैं, और साथ ही पति या पत्नी के साथ में मत मतांतर की स्थिति भी बनाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इससे आप सावधान रहें। शक की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, शक की स्वभाव बना देते हैं जब चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, तो शक से आप बचें। विश्वास की कमी होती है तो विश्वास अपना बनाए रखें, पूजा पाठ की मात्रा बढ़ा दें, ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने करीबी लोगों पे विश्वास रखें। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी राहु केतु के शांति मंत्रों का जप करना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों मिथुन राशि, तीसरे नंबर की राशि जिसमें अभी तक राहु बैठे हुए थे, अब वहाँ से वो 12वें भाव में चले जा रहे हैं दोस्तों, और 12वें भाव में जा करके
अशुभ प्रभाव में वृद्धि करते हैं, वहां पर अनावश्यक खर्च की स्थिति जैसे कि हॉस्पिटल पे खर्च, स्वास्थ्य पे खर्च या धन का व्यर्थ चला जाना, चोरी चला जाना, गुम जाना, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ये करते हैं। साथ ही कार्य व्यवसाय में भी ये कुछ परेशानियों के साथ सफलता देते हैं। तो राहु का जो 12वें भाव में गोचर है ये आपके लिए धन के मामले में कुछ तकलीफें पैदा करेगा, स्वास्थ्य के मामले में खर्च अनावश्यक करवाएगा, पैसा आपका चोरी हो सकता है जैसा मैंने बताया। इसके अलावा जो केतु आपका 6वें भाव में जा रहा है वो राहु के दोषों को काफ़ी हद तक दूर करने में सफल रहेंगे केतु, और केतु का 6वां जो केतु की 6वीं स्थिति है दोस्तों वो अच्छी रहती है, शत्रु पक्ष पे विजय प्राप्त होती है, साथ ही रोगों से व्यक्ति की रक्षा भी होती है, शत्रु पीड़ा से व्यक्ति का बचाव भी होता है, कंपटीशन में भी सफलता मिलती है। यदि जो स्टूडेंट्स हैं विशेष करके वृषभ मिथुन राशि वाले, उनको भी सफलतादायक ये हो सकता है अगर जैसा कि अभी नवंबर तक उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह होना हो तो उसमें उनको ज़रूर सफलता मिल सकती है। और 15 नवंबर तक आपका स्टूडेंट्स का समय सकारात्मक कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है क्योंकि राहु केतु का एक्सिस उनके, राहु उनके एकादश भाव में जा रहे हैं और केतु उनके पंचम भाव में जा रहे हैं, और एकादश भाव में राहु जहां अचानक धन लाभ की स्थितियां, आर्थिक लाभ की स्थितियां पैदा करते हैं, वहीं उसके अलावा मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से भी वो लाभ प्रदान करते हैं, तो हर तरह से अच्छा फल देते हैं। केतु का जो 5वें भाव में गोचर है वो थोड़ा संतान के साथ मत मतांतर या संतान के उन्नति में बाधा दायक हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य के विषय में कुछ परेशानी भी हो सकती है, तो ये केतु आपके लिए थोड़ा नकारात्मक है। बाकी ये जो गोचर है कर्क राशि के लिए अच्छा कहा जाएगा। सिंह राशि की जहाँ तक बात है तो सिंह राशि के लिए दोस्तों दशम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। दशम भाव का गोचर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कराता है और साथ ही जो लोग व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के साथ लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, और साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी कुछ ऐसे चेंजेस उनके लाइफ में होंगे जो अगले 1.5 वर्ष में के बाद उनको कोई ना कोई बड़ी उन्नति दिलाएंगे। तो अगर आपके सिंह राशि है और आपके जीवन में, कैरियर में, नौकरी में या व्यवसाय में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लें, निश्चित रूप से अगले 3 वर्षों में वो आपको बड़ा लाभ दे करके जाएगा। केतु की जो स्थिति दोस्तों 4थे भाव में है तो 4थे भाव का केतु पूज्य होता है, वो अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाता, कार्य क्षेत्र में भी समस्या देता है, साथ ही परिवार के मामले में, उत्तरदायित्व में, कुछ निर्वहन में समस्याएं देता है, मत मतांतर पैदा करता है, माता के स्वास्थ्य को भी तकलीफ पहुंचाता है, वाहन गाड़ी चलाने में कुछ समस्या आ सकती है, जमीन जायदाद के मामलों में कुछ उलझाव आ सकता है, तो ये सब चीज़ें केतु का 4थे भाव में गोचर देता है। तो केतु की शांति आप करें, उससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि वाले राहु आपको जरूर कुछ लाभ दे करके जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। कन्या राशि के लिए राहु का जो गोचर है 9वें भाव में है, निश्चित रूप से अगले 1.5 वर्षों में आपको ये पदोन्नति निश्चित रूप से देगा, और साथ ही पिता के साथ कुछ डिस्टेंसेस डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, धार्मिकता आध्यात्मिकता में ये कमी लाता है, भौतिकतावादी दृष्टिकोण को बढ़ाता है 9वें भाव का राहु, तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण बढ़ेगा लेकिन आपकी उन्नति भी होगी आपके लिए। केतु की जहाँ तक बात है 3रे भाव में केतु भी अच्छा फल देंगे, सहयोग में वृद्धि कराएंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे, मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, दूर संचार या बातचीत से आप बहुत सारी चीज़ों का समाधान करने में सफल रहेंगे।
तो केतु का तीसरे भाव का गोचर भी बहुत अच्छा है, लोगों का सहयोग दिलाता है और व्यक्ति बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो धनु माफ कीजिएगा, कन्या राशि के लिए राहु और केतु दोनों का ही जो गोचर है बहुत अच्छा है आपके लिए, इसका भरपूर आप लाभ उठाने का प्रयास करें। अब आते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये गोचर जो है वो अष्टम भाव में हो रहा है तुला राशि के, और निश्चित रूप से अष्टम भाव में राहु जब आते हैं तो व्यक्ति के मन में कॉन्फिडेंस में कमी पैदा होती है, मन में भय पैदा होता है, शंकाएं उपजती हैं मन में तरह तरह की। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय होता है कि व्यक्ति धार्मिकता को बढ़ाए और धर्म से जुड़े, राहु की शांति करे, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। पेट से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं जैसे गैस बनना, घबराहट उसकी वजह से लगना, ये सभी समस्याएं राहु के अष्टम भाव में गोचर से होती हैं। और बहुत बार जब किसी व्यक्ति को पहली बार इस तरह की समस्याएं होती हैं तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, और फिर वो धीरे से डिप्रेशन के शिकंजे में आ जाता है क्योंकि उसका भरोसा और भी तरफ से टूटता है, घर वालों से भी टूटता है और परिचितों से भी टूटता है और वो अकेलापन महसूस करता है। तो राहु का ये अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं है तुला राशि वालों के लिए। सभी लोगों से मिलकर चलें, अभी थोड़ा लो प्रोफाइल में रहें और धार्मिकता आध्यात्मिकता बना के रखें, सबसे प्यार बना के रखें। आपकी राशि से दूसरे भाव में जो केतु का गोचर हो रहा है दोस्तों वो जरूर आपको अचानक धन की प्राप्ति करा सकता है। वाणी में कुछ कटुता वो भी लेके आएगा, ऐसी बात वाणी ना बोलें जिससे संबंध ही खराब हो जाए। जैसा मैंने आपको राहु के गोचर में भी बोला, लो प्रोफाइल मेंटेन करें, तो कम बोलें, जब भी बोलें मीठा बोलें इसका प्रयास करें। साथ ही चूंकि सेकंड हाउस में केतु है तो मंत्र शक्ति जागृत कर सकता है ये राहु और केतु का गोचर, और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को में आप उतर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मन को प्रबल करके उतरना आवश्यक होता है, किसी गुरु के सहारे उतरना आवश्यक होता है। तो किसी गुरु का सहारा लें, उसके बाद ही आध्यात्मिकता में उतरें और अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा आपके साथ, यही कहना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, वृश्चिक राशि चूँकि चंद्रमा उनका नीच का होता है और वहीं पर अब केतु आ रहे हैं तो उनका चंद्रमा प्रभावित होगा, जिसकी वजह से उनको भी टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी अचानक चिड़चिड़ापन, कभी अचानक गुस्सा आना, कभी भय होना, इस तरह की परिस्थितियां उनके साथ भी हो सकती हैं केतु की वजह से। राहु जहां तक उनके अष्टम सप्तम भाव में आएंगे तो पति या पत्नी से मत मतांतर हो सकता है, हालांकि पति या पत्नी के लिए राहु का ये गोचर अच्छा रहेगा, उनको लाभ की वृद्धि होगी, भौतिकता की वृद्धि होगी, माया की वृद्धि होगी उनके पास, लेकिन उसी वजह से थोड़ा उनमें एरोगेंस भी आएगा और उस एरोगेंस की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जिससे मत मतांतर हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो जिन कपल्स के बीच ऑलरेडी पहले से संबंध उनके अच्छे नहीं हैं वो विशेष रूप से सावधान हो जाए, अगर उनकी वृश्चिक राशि है या वृषभ राशि है तो उनको सावधान हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से राहु और केतु दोनों की शांति का अनुष्ठान उनको करा लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव का राहु जैसा मैंने बोला कि मत मतांतर कराता है, इसके अलावा उनको भी पेट की तकलीफ दे सकता है, स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ दे सकता है, पेट और पेट के निचले हिस्से में समस्याएं ऐसा राहु की स्थिति देती है, तो उसके लिए सावधान रहे। केतु जो आपके चंद्रमा के साथ है तो वो टेम्परामेंटल प्रॉब्लम बनाएगा और साथ ही आपको मन में आपके उदासीनता की भावना भी, उदासी की भावना भी भरेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का ग्रह है तो वो सब कुछ छोड़ने को प्रेरित करता है, आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, क्यों किसी से आसक्ति रखना, और व्यक्ति आसक्ति से दूर होता है केतु की वजह से। तो ऐसे समय में आप केतु की शांति करें, राहु की भी शांति करें। धनु राशि की बात करते हैं दोस्तों, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए छठवें भाव में
जैसा कि हम जानते हैं राहु आ रहे हैं और छठवें भाव में राहु का गोचर अच्छा होता है क्योंकि वो वहां पर शत्रुहंता योग बना देता है। हालांकि शत्रु पैदा भी होते हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो सामने आके वार करेंगे आपके, लेकिन फिर उनका वो हार जाएंगे क्योंकि आपके कुंडली में जो राहु है अभी वो प्रबलता से अपना काम करेंगे और शत्रुओं का नाश करेंगे। तो राहु छठवें भाव का आपके कार्य क्षेत्र में हो वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ाएगा, फिर आप उस कंपटीशन में विक्टोरियस होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सफलता दिला सकता है राहु का ये गोचर, अगर वो धनु राशि के हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सफलता मिलेगी, साथ ही व्यापार में भी उनको सफलता के योग मिलेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये अच्छा फल लेके आ रहा है राहु का गोचर, और साथ ही प्रतिस्पर्धा के मामले में आपको विशेष सफलता दे रहा है। केतु दोस्तों 12वें भाव में आपके रहेंगे और 12वें भाव के जो केतु हैं वो पूज्य होते हैं क्योंकि 12वें भाव में केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं, वो उन्हीं का स्थान है 12वां भाव और 9वां भाव, तो वहाँ पर केतु बड़े प्रसन्न रहते हैं। खर्च की अधिकता रहती है लेकिन आध्यात्मिकता बढ़ती है और मन में प्रसन्नता रहती है, उसकी वजह से भाग दौड़ हालांकि निरर्थक होती है लेकिन फिर भी अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाएंगे तो आपको केतु का ये गोचर काफ़ी फायदा देगा। सामाजिक कार्यों से जुड़ें, आध्यात्मिकता से जुड़ें, यही हमारी सलाह है धनु राशि के जातकों को। मकर राशि की बात करते हैं दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है जो कि ये बताता है कि आपके संतान के मामले में कुछ उन्नतिदायक कार्य हो सकते हैं और उनको भौतिक जगत में सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपके पंचम भाव का राहु आपकी राजनीतिक बुद्धि को और प्रखर बनाएगा, राजनीति में आप और सफल होंगे और अपने शत्रुओं को कॉम्पिटिटर्स को परास्त करने में सफल होंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो सावधानी रखें, एग्ज़ाम्स के आसपास सेहत का ध्यान रखें और तभी उनको सफलता मिलेगी। सिली मिस्टेक्स उनसे हो सकती है तो वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के मामले में अचानक से बहुत तेज़ी, फिर अचानक से प्रेम संबंधों का ख़त्म हो जाना, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है मकर राशि वालों के लिए। तो अपने जीवन को आप यदि नियमित रखें, नियम से सारे कार्य करें और किसी भी चीज़ का को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक करने का प्रयास न करें तो आपको राहु का ये गोचर शुभ फल देगा, अन्यथा आपको ये गोचर तकलीफ दे सकता है। केतु का गोचर जहाँ तक दोस्तों आपके लाभ स्थान में हो रहा है, लाभ स्थान में केतु जो होते हैं वो लाभ को रोक देते हैं क्योंकि केतु कभी कभी रोक लगाने वाले प्रभाव ज़्यादा देता है, तो आपके लाभ में कमी कर सकते हैं केतु वहाँ पर बैठ के। मंगल की राशि में केतु है तो वहाँ पर लाभ में कमी हो सकती है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, प्रयास करें कि आपके लाभ में कमी ना हो। जो आपका रिक्वायर्ड लाभ है, जो आपका अपेक्षित लाभ है वो आपको मिलता रहे। अतः राहु केतु का ये गोचर मकर राशि के लिए भी लगभग 50-50 की परिस्थितियां बना रहा है। कुंभ राशि पर आते हैं दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में राहु का गोचर हो रहा है जो ये बताता है कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, माँ मकान गाड़ी इन सभी को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं, तो इसमें आपको सावधान रहना चाहिए, आपको अपना स्थान छोड़ना पड़ सकता है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और वाहन से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा भी है, तो आप जरूर सावधान रहें, इसके लिए राहु की शांति करते रहें। इसके अलावा राहु चौथे भाव में जब आते हैं तो बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, लोगों से मत मतांतर होता है, कई लोगों की कुंडली में अगर खराब योग है तो पुलिस केस मुकदमा वगैरह भी हो जाता है, तो उसके लिए भी सावधान रहें। इसके अलावा जो केतु है आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और जैसा मैंने बोला कि वो रोक लगाते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के मामले में जो लोग नौकरी पेशा हैं
कुछ ना कुछ रुकावट की स्थिति ये बना सकते हैं, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जैसे कि आपका प्रमोशन होना था वो रुक गया, या आपको कोई लाभ होना था वो रुक गया, तो इस तरह की स्थितियाँ, या कोई आप काम कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेके आप चल रहे थे वो प्रोजेक्ट अचानक उसमें बाधा आ गई, तो ये बाधाजनक योग केतु बना सकते हैं, उसके लिए आप सावधान रहें और साथ ही अपनी वाणी और अपने व्यवहार का ध्यान रखें कार्य क्षेत्र में, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। व्यापारी वर्ग भी जो है वो भी इन बातों का ध्यान रखें ताकि किसी से अपने कस्टमर से या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर में जो काम करते हैं उनके साथ मत मतांतर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगली और अंतिम राशि मीन राशि की तरफ आते हैं दोस्तों। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है ये जैसा कि हम जानते हैं राहु तीसरे भाव में आ रहे हैं और तीसरे भाव का गोचर राहु का सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों, क्योंकि वो पराक्रम का स्थान है और राहु वहाँ बहुत प्रसन्न रहते हैं और साथ ही केतु चूंकि नौवें में चले जाते हैं वो भी उनका स्थान है मोक्षदायक स्थान, तो राहु और केतु का ये जो तीसरा और नौवां जो संचरण है ये काफी शुभ फलप्रद होता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए आपके कार्य फटाफट होंगे और साथ ही लोगों का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि मैंने बताया। इसके अलावा दोस्तों केतु जो है आपके धार्मिकता में आध्यात्मिकता में वृद्धि कराएंगे, आपको दूर की यात्रा भी करा सकते हैं धार्मिकता से संबंधित, और साथ ही केतु जो चूंकि नाइन्थ हाउस एजुकेशन का भी है, नाइन्थ हाउस कहीं ना कहीं विदेश का भी है, तो विदेश यात्रा वगैरह भी अगर आप करना चाहते होंगे, विदेश से संबंधित कुछ काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप कोई नया आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहते हैं या आध्यात्मिकता में कोई नई खोज करना चाहते हैं, नए सेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों। तो आध्यात्मिकता हो या भौतिकता, तीसरे भाव में राहु आपको भौतिकता का सुख देंगे, वहीं नौवें भाव में केतु आपको आध्यात्मिकता का भी सुख देंगे, दोनों तरह से आपको सफलता है, तो आपके लिए राहु केतु का ये गोचर बहुत ही शुभ फलप्रद रहेगा। तो दोस्तों ये था आपकी सभी 12 राशियों के लिए, लेकिन अभी जाइए मत, अभी हम राहु और केतु का ये गोचर भारत पे किस तरह का असर डाल सकता है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि राहु और केतु के इसी गोचर में इंदिरा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, और उसके पहले भी राहु और केतु का ये जो गोचर है वो भारत के लिए कई समस्याएं लेके आ चुका है, तो अब ये राहु और केतु का गोचर किस तरह की समस्याएं लाएगा इसकी हम बात करते हैं। चूंकि राहु लग्न में आ रहे हैं, चंद्र माफ कीजिएगा जो लग्न है भारत की वो है वृषभ और राशि है कर्क, तो कर्क राशि के सापेक्ष तो भारत इसका राहु का गोचर अच्छा है, लेकिन लग्न के सापेक्ष चूंकि लग्न में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत अब ज़्यादा पर्टिकुलरली अपने शत्रुओं को हैंडल करेगा, ज़्यादा दृढ़ता के साथ हैंडल करेगा, ये बात समझ में आती है पहली बात। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से चूंकि वर्ष कुंडली में भी ये जगत कुंडली में जैसा हमने पहले भी बताया था इस तरह की बात थी कि राष्ट्र अध्यक्षों को या बड़े बड़े नेताओं को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, और इसलिए भारत में भी जो प्रमुख पदों पर लोग हैं उनको सावधानी रखना चाहिए राहु और केतु के इस गोचर में, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये जो राहु और केतु का गोचर है वो अच्छा फल लेकर के आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा राहु और केतु पे एक एपिसोड, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं उसमें बहुत सारी कही गई बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही हैं, जिसमें से एक वीडियो का जिसका लिंक मैं लास्ट में दूंगा वो आप देखिएगा, उसमें कही गई एक एक बात अभी तक सत्य सिद्ध हुई है,
और इस वर्ष के लिए वो प्रिडिक्शन था और उम्मीद है कि आगे की भी बातें सत्य सिद्ध होंगी, तो आप जरूर उसको फॉलो कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।